द लिटिल गर्ल सीबीएसई क्लास 9 बीहाइव का चैप्टर है। तो ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो ये समझ जाती है, या आप कह सकते हैं कि इस छोटी सी लड़की की फीलिंग डर से जो उसके दिल में फादर के लिए था, वो चेंज होकर वो अपने डैड को समझने में बदल गई। और सेम ऐसी इंसिडेंट हम अपने घर में ही देखने समझने को मिल जाते हैं। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची केजिया की है जो ये समझ जाती है, या आप कह सकते हैं कि इस छोटी सी लड़की की फीलिंग डर से जो उसके दिल में अपने फादर के लिए था, वो प्यार में बदल जाता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के डांट को नहीं समझ पाते कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है जब ये बताती है अपनी स्टोरी कि उसके फादर उस लड़की के लिए एक ऐसी फिगर थे जिससे कि देख वो डर जाती थी, और उस बच्ची की यही कोशिश रहती थी कि वो अपने फादर से कभी फेस टू फेस सामना ना हो। हर सुबह उसके फादर उसके रूम में आते और हर रोज की तरह उसके फोरहेड पे किस करते, और बच्ची उस किस के जवाब में गुड बाय फादर कहती थी। और जैसे ही उसके फादर वहाँ से चले जाते थे अपने काम पे, उसे उस छोटी सी बच्ची को काफ़ी सुकून शांति सा महसूस होता था। शाम के समय जब वो वापस आते थे तो अपने फादर की जोरों से चिल्लाने की आवाज़ें उसे सुनाई देती थी, और वो सीढ़ी के एक किनारे पे एकदम से खड़ी हो जाती थी और सुना करती थी जो उसके फादर बोला करते थे, मेरी चाय ले आओ, क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया? माँ जाओ और देखो क्या मेरे पेपर्स वहाँ तो नहीं हैं, और मेरे चप्पल भी ला दो। उस छोटी बच्ची जिसका नाम केजिया होता है, उससे उसकी माँ कहती है कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आके अपने पापा के बूट्स यानी जूते उतार दो। वो बच्ची यानी केजिया जितना स्लो हो सके चलती है, जितना देर हो सके हॉल में पहुंचने की कोशिश करती है, और हॉल में पहुंचने के बाद वो धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है। तो जब तक वो ड्राइंग रूम में पहुंचती थी तब तक उसके फादर अपना चश्मा पहन चुके होते हैं, और जिस तरह से वो केजिया को देखते हैं वो और भी डर जाती है। फिर उसके पिता कहते हैं, जल्दी से आओ केजिया और मेरे बूट्स को उतारो और बाहर रख दो। और क्या आज तुम एक अच्छी बच्ची की तरह रही? केजिया थोड़ा सा घबरा जाती है और कांपते हुए आवाज में बोलती है, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता पापा। यानी वो हकलाते हुए जवाब दी कि मुझे पता नहीं पापा। इस पे उसके फादर यानी केजिया के पापा केजिया से कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम? ये ऐसे किस तरह से एज ए स्टटर तुम बोल रही हो, और अगर ऐसे ही बोलती रही हकलाते हुए तो तुम्हें तुम्हारी माँ डॉक्टर के पास ले जाएगी। केजिया कभी भी किसी और लोगों के सामने ऐसे हकलाते हुए कभी बात नहीं करती, बस वो अपने पापा के सामने ही हकलाती थी, हकलाने लगती थी, और इसका ये रीज़न था कि वो अपने फादर से काफ़ी ही ज़्यादा डरती थी। केजिया अपने फादर की अपीयरेंस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करती है और कहती है कि वो काफ़ी बड़े हैं, उनके हाथ और गर्दन यानी नेक भी काफ़ी बड़े हैं, और जब भी वो जम्हाई यानी यॉन्ट करते थे तो उनका मुंह काफ़ी बड़ा सा खुल जाता था। केजिया कहती है कि उनके बारे में सोचो या फिर एक जायंट राक्षस के बारे में, दोनों एक ही जैसा था। केजिया की जो दादी थी वो केजिया को हर संडे आफ्टरनून दोपहर के समय ड्राइंग हॉल में भेज दिया करती थी ताकि वो अपने मॉम डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उनसे बातें करे। लेकिन केजिया अपने मॉम को हमेशा की तरह रीडिंग करते हुए और अपने डैड को सोफा पे आराम से अपने फेस पे हैंकरचीफ को रख पैर को एक अच्छे से आरामदेह कुशन पर रख खर्राटे भरते हुए पाती थी। वो अपने स्टूल पे बैठ इंतजार करती रहती थी
अपने डैड के उठने का कि जैसे ही वो उठेंगे केजिया की तरफ देखेंगे। तभी केजिया की मॉम केजिया से कहती है, ऐसे मत घुरू केजिया, तुम ऐसे घूरते हुए एक ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो। एक दिन केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को बोलती है कि नेक्स्ट वीक उसके डैड का बर्थडे है, तो वो अपने डैड के लिए एक गिफ्ट पिन कुजन बना ले सुंदर से येल्लो कलर के सिल्क से। तो केजिया ने काफ़ी मेहनत की और उस पिन कुजन्स को तीनों साइड से सिल दिया और फिर सोचने लगे कि अब इसमें क्या भरा जाए। तो वो इधर उधर कुछ भी स्क्रैप पेपर्स कुछ भी ढूंढती है अपने मॉम के रूम में जाके, और तभी वो बेड के साइड पे रखे हुए टेबल पे कुछ काफ़ी सारे पेपर जो रखा हुआ था वो वहाँ पे देखती है। वो उस पेपर को उठाकर छोटे छोटे पीस में करती है और पिन कुशंस में डाल के उसे अच्छे से फोर्थ साइड से भी सील देती है। अब उसी रात घर में बवाल मच गया था क्योंकि केजिया के फादर का स्पीच वाला पेपर खो गया था और वो स्पीच उन्हें कोर्ट अथॉरिटी में बोलना था। सभी लोग परेशान थे, सर्वेंट भी इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, सभी लोग काफ़ी परेशान दिख रहे होते हैं। तभी केजिया की मॉम केजिया के रूम में आती है और पूछती है कि क्या तुमने कोई पेपर देखा है जो मेरे रूम के टेबल पे रखे हुए थे। केजिया कहती है, ओ हाँ मम्मी, मैंने उसे फाड़ के अपने लिए एक सरप्राइज यानी गिफ्ट जो वो फादर के लिए बना रही थी मैं उसमें डाल दिया। ये सुन के केजिया की मॉम जोर से चिल्लाती है, क्या, सीधा नीचे आओ डाइनिंग रूम में। और फिर केजिया को उसकी मॉम खींचते हुए उसे नीचे ले गई जहाँ उसके फादर गुस्से से डाइनिंग रूम में आगे पीछे घूम रहे होते हैं। फिर वो बोले, हाँ तो अब बोलो क्या हुआ। केजिया की मॉम सारी बातें बताती है और फिर उसके डैड उसकी तरफ घूरते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या किया तुमने। केजिया फिर से हकलाते हुए, नो, वो धीरे से बोली। फिर अपने मॉम से यानी केजिया के पिता अपने मॉम से कहते हैं कि केजिया के रूम में जाइए और जो वो चीज़ बनाई है उसे नीचे ले आइए। केजिया कुछ समझा नहीं पा रही थी और वो रोए जा रही थी अपने रूम में। फिर उसके डैड उसके रूम में एक रूलर स्केल के साथ आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तभी केजिया कहती है, नहीं, और वो छिपने की कोशिश करती है। फिर उसके फादर गुस्से से केजिया से कहते हैं, यहाँ आओ और बैठो, तुम्हें ये बात सिखानी काफ़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई चीज़ जो तुम्हारी नहीं हो उसे हाथ नहीं लगाते। केजिया कहती है, लेकिन ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। और तभी उसके डैड ने उस छोटी सी बच्ची की छोटे से हाथों पर पिंक पिंक हाथों पर स्केल से मार देते हैं। कुछ घंटों बाद केजिया की ग्रैंड मदर आती है केजिया को सॉल में लपेट के रॉकिंग चेयर पे बैठा देती है। केजिया अपने दादी से चिपक कर कहती है कि आखिर भगवान जो हैं डैड यानी फादर क्यों बनाते हैं। दादी कहती है केजिया से, अपने नाक पोछ लो और सो जाओ, तुम सुबह तक सारी बातें भूल जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। मैंने काफ़ी कोशिश की तुम्हारे डैड को समझाने की लेकिन वो काफ़ी टेंशन में गुस्से में थे इसलिए वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। लेकिन केजिया ये इंसिडेंट को नहीं भूल पाती। नेक्स्ट दिन केजिया अपने फादर को जैसे ही देखती है अपने दोनों हाथों को तुरंत पीछे की तरफ कर लेती है और डर के कारण उसका फेस लाल हो जाता है। अब क्या होता है कि जो केजिया है वो देखती है अपने फ्रेंच के छोटे से होल से कि जो उसके पड़ोसी है मैकडोनल्ड्स वो अपने बच्चों के साथ टैग खेल रहे होते हैं शाम के समय में, और जो उनका छोटा सा बेबी है माओ वो अपने फादर के शोल्डर यानी कंधे पर बैठा हुआ है। दो छोटी बच्ची उनके पॉकेट से लटकी हुई है और फ्लावर बेड के गोल गोल घूम रहे हैं। सारे लोग खूब हंस रहे होते हैं। फिर केजिया देखती है कि बच्चे अपने डैड के तरफ पानी छोड़ देते हैं
और डैड उन सबको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, हंसते हुए बातें कर रहे थे। अब केजिया को ये बात समझ में आ जाती है कि फादर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब एक दिन अचानक से केजिया की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और केजिया की मॉम और दादी दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और केजिया अकेले अपने कुक एलिस के साथ घर पे ही छोड़ दिया जाता है। सुबह से शाम तक तो सब ठीक रहा, लेकिन रात के वक्त जब वो बेड पे सोने जा रही थी तो एकदम से डर जाती है और एलिस से कहती है कि मैं क्या करूंगी जब मुझे डरावने सपने आएंगे। मुझे अक्सर सपने आते हैं और तब मुझे दादी अपने बेड पे ले जाती है। मुझे काफ़ी डर लगता है अकेले में रहना, मैं नहीं रह पाऊंगी। एलिस समझाते हुए केजिया को सोने के लिए कहती है और बोलती है चिल्ला के अपने बेचारे डैड को मत उठा देना। लेकिन वही सपना वापस से आता है केजिया को, जिसमें एक कसाई यानी बुचर अपने हाथों में एक नाइफ लिए और रस्सी यानी रोप लिए हुए एक डरावनी सी हथी के साथ नज़दीक और नज़दीक आते जा रहा था। केजिया अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी और दादी दादी चिल्लाते हुए एकदम से उठ जाती है और वो क्या देखती है कि उसके डैड ठीक उसके बगल में एक कैंडल लिए हुए बैठे हुए हैं। वो पूछते हैं केजिया से कि क्या हुआ, तो केजिया कहती है कि एक बूचा है, नाइफ है। तो फिर उसके डैड ने केजिया को अपने गोद में उठा के अपने बेड अपने बड़े से बेडरूम में ले गए, जहाँ पेपर बिखरे पड़े थे। एक हाफ सिगार था जिससे उसके फादर ने उस हाफ सिगार को फायरप्लेस पे डाल दिया। पेपर को साइड किया और ध्यान से अच्छे से केजिया को बेड पे लेटाया और बगल में लेट गए। केजिया अपने आधे नींद में ही थी और उसके दिमाग में एक ही सपना चल रहा था और फिर वो अपने डैड को जोर से पकड़ के चिपक जाती है, अपने सर को उनके आर्म यानी बाहों के अंदर कर लिया और जोर से पकड़ लिया अपने डैड के शर्ट को और फिर वो बिना डरे लेटी रही। उसके डैड भी काफ़ी थके हुए थे तो वो भी उसके बगल में सो गए। तभी केजिया को एक गुदगुदी सा एहसास होता है और सोचती है कि मेरे बेचारे पापा, वो भी तो अकेले हैं, उनका भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं और हर रोज़ उतना काम करते हैं, थक जाते हैं, तो वो हर रोज़ तो मैकडॉनल्ड्स की तरह नहीं बन सकते। केजिया ये भी सोचती है कि उसने तो डैड की लिखी हुई स्पीच को भी फाड़ दिया था और वो एकदम से बैठ जाती है। डैड भी उठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, फिर से कोई सपना देखा? केजिया कहती है ओह नहीं, मेरा जो सिर है वो आपके दिल के पास रखा हुआ था और मुझे आपकी धड़कन सुनाई दे रही थी। और कहती है आपका कितना बड़ा दिल है पापा। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट, अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अपने पेरेंट्स को कि वो भी कितना काम करते हैं, वो भी इसलिए कि आपको खुश रख सके, वो चीज़ आपको दे जो उन्हें शायद न मिला हो।